दिस इज बिजनेस प्लस एंड यू आर वॉचिंग द मार्केट शो। आई एम योर होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे ईरान और इंडिया से रिलेशनशिप पे। ये दोनों रिलेशनशिप जो हैं आजकल काफ़ी फोकस में हैं। ईरान के बारे में अमेरिका हमें खुल के कह रहा है कि क्योंकि वो वहाँ सेंक्शन लगाने वाले हैं, हो सकता है जल्दी इसराइल उस पर अटैक करने वाला है, इसलिए हमें वो कह रहे हैं कि आप उनसे फिर रिलेशनशिप ना बढ़ाएं। ख़ासतौर से ईरान से जो हम गैस लेना चाह रहे हैं उस पर उन्होंने ख़ासतौर से हमें कहा है कि आप उस पर ना जाएँ। इंडिया के बारे में बड़ी ज़बरदस्त एक पेशरफ्त हुई है। जो बातें हम पिछले 10 साल से कह रहे थे उस पर अमल किया गया है और वहाँ इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन देने के लिए एक डिसीशन लिया गया, बहुत ही बोल्ड डिसीशन पिछले हफ्ते, जिसमें यह कहा गया है कि 1209 आइटम्स जिस पे अभी रिस्ट्रिक्शन है उसको 2012 के एंड तक ख़त्म कर दिया जाएगा। एक नहायत ही बोल्ड स्टेप, और ये सैफ्टा की जो हमारी टाइमलाइन थी उससे भी एक साल पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको पता है कि कुछ लोग इस मुल्क में इंडिया से दुश्मनी रखना चाहते हैं हमेशा, और वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं, और इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए दिफाए पाकिस्तान के नाम पे। उसके बावजूद ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दो डिस्टिंग्विश गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनवर अहमद साहब, जो कि CEO हैं HS ग्रुप के, साथ साथ ये फॉर्मर FPCCI के भी कमेटीज़ के मेंबर हैं, और ये इंडिया से स्टील ट्रेड में खासे इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको ख़ास तौर से हमने बुलाया। हमारे साथ मशहूर बिजनेस लीडर मोहम्मद मंशा छोरा साहब मौजूद हैं, जिनको आपने अक्सर कई महीने पहले भी आपने इनको सुना होगा। उस ज़माने में ये इंडिया से रिलेशनशिप की हिमायत करते रहे जब बहुत सारे लोग डर रहे थे, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं थे। मंशा साहब का मौक़ बिल्कुल क्लियर था उस वक्त भी, और आई एम श्योर अभी भी है होगा। अनवर साहब, आप क्योंकि चलिए इंडिया से हम शुरू करते हैं, ईरान पे हम बाद में आ जाएंगे, क्योंकि आपसे हम थोड़ा इंसाइट लेना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए कि ये जो डिसीशन आया जिस पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के कंसर्न को साइड में रखते हुए, और जो दूसरे भी छोटे मोटे थे, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आप स्टील को भी कह सकते हैं जो आपका फील्ड है कि जी इंडिया इतना जायंट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको ओवरऑल पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ, मैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ KCCI के साथ मेरी वाबस्तगी रही है। KCCI जी, तो मैं थोड़ा FPCCI के साथ। नहीं शुक्रिया, बहुत खुश आयंदे जी, हम बहुत खुश आयंदे, और बहुत अरसे से मैं स्टील के बिजनेस में, इसलिए आपके लिए तो मुश्किल होना चाहिए। मैं स्टील के बिजनेस, देखें जी, अगर आपके दुकान के बराबर में कोई दुकान खुल जाए तो उसमें ज़्यादा कस्टमर तो आ सकते हैं, आपका बिजनेस मुतासिर नहीं होता। अच्छा, फायदा ही होता है। फायदा ही होता है, एक मार्केट, एक हब बन जाता है। अच्छा, वहाँ पे लोग कहते हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान के जॉइंट सिस्टम को, बिजनेस सिस्टम को, इंडस्ट्रियल सिस्टम को इस खत्ते के फायदे में देखता हूँ, नुकसान में मैं कभी भी नहीं देखता। हाँ, ये हम कुछ कम सोच रखने वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि जी इंडिया अपने साइज़ के हिसाब से पाकिस्तान को खा जाएगा, या वो अपनी चीज़ों को फ्लडेड कर देगा पाकिस्तान की मार्केट में, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सारी चीज़ें बनाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरियल सिस्टम को देखें तो जो हमारे वाघा बॉर्डर से लाहौर की चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र से या वो जाके साउथ इंडिया से वो चीज़ें नहीं मंगाएंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी कॉस्ट, आपने बात की, वो कभी भी उनके लिए वायबिलिटी नहीं आएगी। राजस्थान, पंजाब के बाकी इलाके हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अभी पाकिस्तान सीमेंट एक्सपोर्ट करता रहा है, अभी भी उन्होंने किया, अभी उन्होंने तमिलनाडु के लिए 250,000 टन ऑफ सीमेंट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर से सीमेंट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, कलकत्ता बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जब उनको इस जहाँ यहाँ पे चाहिए होती है चेन्नई में, इधर से जो उनको पाकिस्तान से वायबिलिटी होती है वो लेते हैं। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान को कुछ चीज़ें चाहिए जो लाहौर से और हमारे पंजाब से चीज़ें जा रही हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो वायबिलिटी, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिंक, तमाम चीज़ों को, उनकी टाइमिंग, सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमें कतई तौर पर इस बात से खायफ नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी ट्रेड बॉर्डर्स खुल जाते हैं और बैरियर्स खुल जाती हैं तो हमें नुकसान होगा। मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी है, पिछले 22 साल से मैं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हूँ, मैंने तो आज तक इसमें कभी नुकसान नहीं देखा। इसको आप कैसे देखते हैं अनवर साहब, कि ये इस तरह की डिमांड, मशा छोरा साहब जैसे लीडर्स, और तारिक सईद साहब को हम अच्छी तरह जानते हैं, वो बेचारे काफ़ी दिनों से एशियन मार्केट और इसकी बात करते रहे, लेकिन ये जो
मैं थोड़ा सा प्लेजेंटली सरप्राइज इस बात पे हुआ हूँ कि सेफ्टा का एक हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ, उसकी एक टाइमलाइन है कि जी आपको 13 में ये करना है, 17 में ये करना है, 17 में तो तमाम ममालिक के दरमियान जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, उसको एक साल पहले इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसको आप कैसा देखते हैं? अगेन मैं देर आए दुरुस्त आए कहूँगा मैं इसको। एक मैं थोड़ी सी इस पर ऑब्जर्वेशन अपनी देता चलूँ, जिसका कोई अगर हम अपने सिस्टम को दुरुस्त रखें तो वो भी चीज़ हम उसको काउंटर कर सकते हैं। हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि पाकिस्तान से जैसे ही हम खुलते हैं, हिंदुस्तान हमारे इस चैनल को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान और फिर CIS में दाखिल हो, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना है। अगर हमने अपने सिस्टम को ठीक रखा, हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर रखा, ट्रांजिट ट्रेड आपको इतना बड़ा मिलता है तो बुराई क्या है इसमें भाई? इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप अपने सिस्टम को ठीक करें, आप अपने तमाम चीजों को, एक नेचुरल फ्लो है। अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ें बिल्कुल, तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमी हुआ करती थी, बल्कि बिगेस्ट इकोनॉमी थी अंग्रेजों वगैरह के आने से पहले, और दूसरी जो बड़ी इकोनॉमी थी चाइना थी, और उसके अलावा ये हमारे जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं जी बिल्कुल, ये इन तीनों मुल्कों का सिल्क ट्रेड जो कहलाता था वो तो एक नेचुरल है बिल्कुल। अब ये जो हमने पाकिस्तान बनने के बाद से रुकावट आ गई, अगर वो ख़त्म हो जाती है उनका ट्रेड होता है तो हम भी तो बहुत कमाएंगे। सिर्फ नाटो के ट्रेड से हम लोग $5 बिलियन कमा रहे हैं जस्ट इस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ज़मीन है, हमारे रोड टूट गए वो अलग इशू है, हमने उन पर चार्ज नहीं किया वो अलग इशू है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर्स आर मेकिंग 5 बिलियन a year आउट ऑफ दिस। मुर्शिद साहब अब आपकी तरफ आता हूँ, आप तो शुरू से माशाल्लाह आपने बड़ी फहम और फरासत दिखाई और लॉन्ग टर्म आपने सोचा, आपके मेंबर्स की कंसर्न्स भी हैं आपको सब पता है, लेकिन आप लोग एक एज ए फेडरेशन एक कलेक्टिव सोचते हैं कि भाई ओवरऑल क्या फ़ायदा है, तो वाट आर द मेन पॉइंट्स के आप लोग ने क्या कंसिडर किया एज ए फेडरेशन कि आप लोग शुरू से ही सपोर्ट करते रहे हैं, आपने कभी भी इस पर अपोज नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज ए फेडरेशन हमारा ये मौक़िफ है कि हमने सारे अपने जो है बिजनेस स्टेक होल्डर पूरे पाकिस्तान के, एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान की, पूरे चैम्बर पूरे पाकिस्तान से, उनसे फीडबैक लेते हैं हम। अच्छा, हम सबसे पूछते हैं कि क्या आप क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। दुनिया में आप जो जंग है ना, वो मुआशियत की जंग है, अब वो जंग नहीं है कि हम मुल्क को फतह कर लेंगे कोई, जो मुल्क मुआशियत में बेहतर हो जाएगा वो समझ लो तरक्की करेगा। अब वज़ीर आज़म और जो है सदर भी दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो सेलमैन बन के जाते हैं, सेल्समैन बन गए, वो नहीं रहे पहले जैसे बादशाह, तो नहीं वो कहते हैं ये जो है जो अच्छा सेलमैनशिप दिखाएगा वो आगे बढ़ेगा। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ अपना इनकी टर्की की जो है 10 साल पहले जो है मुशियत में $2,000 जो है ना पर, अब उसका $10,000 फी हो गया, फीस पर कैप्टन का पर कैप्टन 5 गुना बढ़ गया अब देखिए तो अमीर मुल्कों में आ गया वो। अमीर दुनिया में 8वां अमीर मुल्कों में है टर्की, बताइए तो ये जो एक साल में आपने बताया है जी, सिर्फ 10 साल में 96 के बाद, वेरी फास्ट, 2,000 की बजाय अब इस वक्त 10,000 पर कैपिटल है टर्की का, तो ये आप एम्फसाइज किया इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक किया और लोकल जो है अपनी स्टेबिलिटी जो है सबसे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पहले बेहतर किया, उन्होंने ये जो है अपना ऑयल एंड गैस को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने ये चीज़ें शुरू में बेसिक की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, हमने जो है वो उस तरफ नहीं करते, हम जो है ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम आते आते ज़ीरो हो जाते हैं। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस नहीं होगी तो हमारे यहाँ बेहतरी आने की उम्मीद कम है। आपने जो प्रोसेस बताया कि एज ए फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन सब आपको फीडबैक देते हैं जी, फिर आप उनकी जो मेजॉरिटी होती है उसको तकरीबन हमारे यहाँ 98% लोग 95% लोग जो है ना वो कहते थे टेबल पे बातचीत करके फैसले करने चाहिए, ना कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ों से कभी दुनिया में कोई मसला नहीं है। दूसरे मसाइल भी जो है हम ये मसाइल जब हम तजारत शुरू हो जाएगी तो बाकी मसाइल भी हम आओ, इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है, टेंशन कम होगी हमारी जो है जो अखराजात हैं हमारे फौज पे वो भी कम हो जाएंगे, अगर हम कम कर दें दोनों तो दोनों ममालिक को फ़ायदा मिलेगा।
तो बहुत से छोटे छोटे मसाइल हैं जब टेबल पे बैठे हैं, सियाचिन का मसला है और दूसरे मसले आसानी से हल किए जा सकते हैं। कश्मीर का भी आप देखिए कि जब टेबल पे बैठ के बॉर्डर्स खुले और दो से अभी कुछ दिन पहले 4 दिन की ट्रेडिंग उनको अलाउ की गई, तो जो कश्मीर के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मेजर रिलीफ आ गया है। भाई 4 दिन वो इंडिया जाके माल अपना बेच जाते हैं, उधर वाले इधर आके बेच देते हैं, माल भी बेच जाते हैं अपने रजीज और उससे बात हो जाती है। इस तरह बात इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और उसका मसला भी टेबल पे बैठ के हल होगा। तो इसके अलावा हमारे जो पूरी जो पॉलिसीज है, हम लोग साथ साथ सार्क के जो है ना, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन जो है, आपस में उनकी कोलैबोरेशन है। तो उसकी अब हम सार्क के भी आई इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है सार्क की 12 ममालिक की, उसका मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, अब तारिक सईद साहब तो अभी नहीं है फिलहाल प्रेसिडेंट, तारिक साहब प्रेसिडेंट इस वक्त नहीं है, इस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है पाकिस्तान से इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं। अच्छा, तो हम लोग, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का उसमें मेंबर हूँ, तो पाकिस्तान से 12 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। तो हमारा आना जाना, अभी भी जो वजीर तिजारत आए हैं उसके हमने पूरी तरह खातर तवाज़े की है और वो हमारी करते हैं, और हमारा फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसके ऑनर में एक बड़ा डिनर दिया था जिसमें सारे पाकिस्तान के जो है चैम्बरों के एसोसिएशन के लोगों को बुलाया और बहुत खुश होके हो गए हैं। तो हमारे अब रिलेशन जो है ट्रेड के और इंडस्ट्री के बेहतर आ रहे हैं। हम उसमें बैंकिंग का बैंकिंग चैनल खुल रहे हैं, इंडिया बैंक खुलने जा रहा है। कौन सा बैंक? बैंक खुलेगा, नेशनल बैंक इधर खुलेगा, उनका इधर हमारे यहाँ खुलेगा। अच्छा, तो इस तरह स्टेट बैंक में बातचीत हो रही है। जो बशीर साहब वो जो कहते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स वहाँ बहुत है, जैसे सीमेंट की हम बात करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर जो है ना बहुत तंग करते हैं क्वालिटी में। नहीं नहीं, वो करते थे, अब बेहतरी आई है, बेहतरी आई सीमेंट में जो है ना। आपने इस बात को उठाया? सबसे पहले हमने ही उठाया और हमने टेबल पे बैठ के वहाँ के चैम्बर को, वहाँ के ट्रेडर को, जहाँ के इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को बुला के बातचीत की। उसके बाद वो जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें काफी बेहतरी आई है। अच्छा, और मजीद वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशन तो उन्होंने हमें बहुत पहले से दिया हुआ है, तो पेपर पे तो वो था ही। नेशन के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, लोग समझते हैं पता नहीं हमने उनको क्या दे देना इंटरनेशनली। आम आदमी ये समझता है कि आपने कोई इंडिया को बड़ा स्पेशल स्टेटस दे दिया। नहीं नहीं, हम, मैं बताऊं, WTO के साथ हम दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है जिसमें इंडिया भी एक हिस्सा है। हम इंडिया को समझते हैं कि वो अलग ही चीज़ है, अलग चीज़ है, कोई अलग नहीं है, पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो वो जिस तरह दूसरे मुल्कों से तिजारत हम कर रहे हैं, इस तरह इंडिया से भी करेंगे। तो उसमें कोई हमने मोस पे, वो हमें उसी तरह तिजारत करेगा। सब सिग्नेटरी हैं WTO के, तो ये लोगों को ये पता नहीं मोस्ट फेवर्ड नेशन के हिसाब से हमने कुछ उनको दे दिए। हाँ, एक डिफॉल्ट सिचुएशन, एक नॉर्मल सिचुएशन, एक जो रिस्ट्रिक्शंस है हमारी ट्रेड की वो रिलैक्स हो गई है। तो लोग समझते हैं पता नहीं हमने उनको क्या दे देना है। देखिए ना, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं कि जी ये पहले तो ये डिफाइन ही नहीं हमारे लोगों ने, हमारे जो समझते नहीं है कि ये मोस्ट फेवरेट नेशन जो है ना उसको हम कुछ दे नहीं रहे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सिग्नेटरी है जिसके हम ये एक विलेज की तरह उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, ये लोगों को पता ही नहीं। आप अपने तैयार के सिलसिले में इंडिया, आपने बताया कि जाते रहते हैं, आपका स्टील का कारोबार है और आप वहां से स्टील लेके दुनिया भर में भेजते हैं, वीजे की क्या सिचुएशन है? सुनते हैं वीजा बड़ा मसला है और आज तक डिस्पाइट ऑल दिस टॉक्स एंड गुड मीटिंग, शर्मा साहब आए, हमारे फहीम साहब वहाँ गए, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो वीजा लेना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल, और एक बिजनेसमैन के लिए भी बहुत मुश्किल। आपको वीजा कैसे मिलता है? प्रोसेस तो सबके लिए सेम है, जिस तरह से एक आम आदमी के लिए। क्या आप थाना थाना रिपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारे केस में कुछ बिजनेसमैन को वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस, हाँ वो हमें नहीं करना पड़ता। एक दफा मैं इंडिया चला गया, एक गांव में चला गया, उसमें उसको पता ही नहीं था कि ये चीज क्या, उसने FIR काट दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा, हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा मोस्ट फेवरेट नेशन पे, जब शर्मा साहब आए थे जी जी, और अय्यर साहब भी आए थे, उनके जो राज्यसभा के वो थे, उन्होंने कहा मैं उर्दू दां तो नहीं हूँ लेकिन मैं अगर इसकी ट्रांसलेशन करूं मोस्ट फेवरेट नेशन के, तो उसमें फिर भी पसंदीदा मुल्क नहीं आता। तो ये हमें समझना होगा। अच्छा, इस पे आपको पता है कि अमेरिका के कांग्रेस ने इस पे अमेंडमेंट की है? नहीं, मैं वीजा के ऊपर, गलत बात है ये जो टर्म ही गलत है, उसको उन्होंने बदल दिया है थोड़ा सा। मैं वीजे की बात ये है कि हमारा अभी भी जो हम दिसंबर में गए थे, जनवरी में फिर मीटिंग हुई हमारी, क्योंकि हमारे हम पार्ट एंड पार्सल हैं, वो हमारी तरफ आते हैं, हम उनकी तरफ। अभी मल्टीपल वीजे के ऊपर बातचीत हो चुकी है,
ये डिसाइड हो चुके हैं हमारी हुकूमत और उनकी हुकूमत में कि मल्टी बिजनेस मैनों को मल्टीपल वीज़े इशू किए जाएंगे। अभी वो फाइनल प्रोसेस में है, बहुत जल्द फैसले हो जाएंगे। जो रिकॉग्नाइज बिजनेस मैन होंगे उनको वो वीज़े जो है मल्टीपल इशू हो जाएंगे। क्या उसका जैसे कि केसी का जो मेंबर है, केसीसीआई के मेंबर उसको मिल जाएगा, केसीसीआई का और कार्टी का, कार्टी व्यास होने उसका वहाँ अगर बिजनेस है, अगर ये तो नहीं कि ऐसे घूमने नहीं जा रहा कि काम हो तो काम के ऊपर अभी भी जो है अगर इनविटेशन वहाँ से आती है तो उसको जल्दी वीजे हैं। और हमारी फेडरेशन के अंबर की जो रिकमेंडेशन है, हमारे डेलीगेशन जाते हैं तो हमें तो 8 दिन में वीजे देते हैं। वो बात यही है कि अभी हमारा एक दूसरे सब यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें ईरान और इंडिया के तजारत के सिलसिले में, रिलेशनशिप के सिलसिले में। हमारे साथ मौजूद हैं अनवार अहमद साहब जो कि एचएस ग्रुप के सीईओ हैं और केसीसीआई के साथ इनका ताल्लुक रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मंशा छोरा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं ये अपने कंपनीज के, ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मंशा साहब से और अनवार साहब से ये बात हो रही थी कि इंडिया से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन देने की हमने बात की है। गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि एक साल पहले ही जो है ये तमाम बैरियर्स जो हमारे नेगेटिव लिस्ट को ज़ीरो कर देंगे और 0 to 5% ड्यूटी हो जाएगी, तो ये कैसी है? दोनों की फीडबैक बड़ी पॉजिटिव है, बोल्ड लीडर्स फ्राम द कम्युनिटी, और ये कह रहे हैं कि जी बहुत ही खुशाइन चीज़ है और इससे डरने उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुर्शद साहब ने बताया कि जब फेडरेशन जब एक चीज़ को रिकमेंड करती है तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे रिकमेंडेशन लेने के बाद एज ए फेडरल इपेक्स बॉडी वो जब रिकमेंडेशन किसी चीज़ की देती है तो उसमें तमाम लोगों की इनपुट मौजूद होती है। ये नहीं कि मंशा साहब को इंडिया अच्छा लगता है या तारिक सईद साहब को इंडिया पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम लोग। अब हम बात कर रहे थे कि नॉन टेरी बैरियर, उन्होंने कहा कि नॉन टेरी बैरियर्स काफ़ी कम हुए और अब बात हो रही है वीज़े पे। वीज़े पे, वीज़े की बात मैं कर रहा था कि अभी हमारी मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड हो चुका है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान कि मल्टीपल वीज़ा इशू करेंगे बिजनेसमैनों को। पहले तकरीबन 500 से 1000 वीज़े जो है इसी साल ही डिसाइड हो जाएंगे कि मल्टीपल इशू करें। जिस तरह कारोबार बढ़ता जाएगा, कितने साल के लिए होगा बादशाह साहब ये मल्टीपल वीज़ा? एक साल के पहले होता है, पहले एक साल में जितनी दफ़ा लोग जाएँ बिजनेस के। अभी भी कुछ लोगों को मल्टीपल वीज़ा देते हैं जिनके लोगों को जरूर देंगे। नहीं नहीं, हम तो हम तो एग्जीक्यूटिव कमेटी सार के मेंबर हैं, हमें तो नहीं देना, हमें तो वो दूसरा वीजा, हमारा आपका सार का वीजा, स्टिकर वीजा है मेरा एक साल का, वो होता है जो वो क्या होता है, वो आप पूरे साल में जा सकते हैं, एक साल में जितनी दफा मर्जी आ जाए वो एक वीजा। इसी तरह आपके साफियों के लिए भी फैसिलिटी है। अच्छा, उसके साफ का एक आया हुआ है सार का, उसमें बहुत से लोग असम्बली के मेंबर्स हैं, बहुत से लोग हैं। अभी जो है 100 से 200 वीजे हमारी सार्क जो है उसको भी पाकिस्तान के वीज़े भी बढ़ा दिए हैं और उनकी मुद्दत 3 महीने के अंदर अंदर आप वहाँ वीज़े रखें। ख़वातीन के वीज़े भी बढ़ाए हैं और जो जर्नलिस्ट के बढ़ाए हैं, बहुत से कैटेगरीज के वीज़े बढ़ाए हैं, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर। अच्छा, ये तो हो गया बिजनेसमैन या कंसर्न लोगों के, जैसे एक देखिए आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में एक जो डिवीजन हुआ, लेकिन मैं आबादी करता जो है, लोग घूमने फिरने के लिए जो जा रहे हैं अभी जी पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेवलपमेंट का कारोबार भी तो है जी। अगर ये टूरिज्म ही आपस में ज्यादा हो जाए तो वो एक बिजनेस भी तो है, दोनों मिल के फायदे में भी है। बिल्कुल वो होगा और इसलिए हमने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट की भी इजाज़त दी जाए, जो इंडियन बिजनेस मैन है वो इन्वेस्ट करके इधर से उधर फिर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ दुनिया में सीमेंट की सारी दुनिया को पाकिस्तान बेहतर सप्लाई कर रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया को, सारी दुनिया में सीमेंट हमारा, इधर वस्ती एशिया में सारी जो ममालिक हैं इसको भी सारा हमारा सीमेंट जा रहा है, अफगानिस्तान और आगे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ भी पाकिस्तानी सारा सीमेंट जा रहा है। तो इसमें ट्रांजिट बिजनेस होगा, ये भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को रोज़गार बढ़े मिलेगा, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है और जो हमारा फ्रेट है वो बहुत बचता है।
और टाइम बचता है। 14% की बात आएगी अगर सिर्फ फ्रेट हम बच जाएगा जो इंडिया से मंगाएं, वही चीज देखिए। अच्छा, आप जो स्टील की बात कर रहे थे जी, अगर स्टील के इंडस्ट्री के लोग बड़ा कंसर्न भी शो करते हैं इस पे, आप इसको कैसा देखते हैं कि जब हम जनवरी 2013 में बैठे हुए, ड्यूटी हो गया 0-5, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हट गए और इंडियन स्टील आना शुरू हो गया पाकिस्तान में, व्हाट विल बी द इंपैक्ट? यहाँ 2.5 मिलियन टन की हमारी अपनी कैपेसिटी है, 6 मिलियन की डिमांड है हमारी। देखिए, हम पाकिस्तान वैसे टेक्निकली तो सेकेंडरीज का मार्केट है। अच्छा, प्राइम की मार्केट हमारी नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक तो जो यहाँ से चीज़ें होम कंजम्पशन के लिए बनाते हैं तो दो नॉट यूज फ्रॉम द प्राइम ग्रेड एलएमई ग्रेड या इस तरह के, तो हम बेसिकली 80% जो भी दुनिया भर से आ रहा है हमारे पास, चाहे आप रशिया से मंगा रहे हैं, चाहे जर्मनी से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम मंगा रहे हैं वो हम सेकेंडरी जो रिसाइकलिंग रीरोलिंग रिसाइकलिंग नहीं होती है, वो ओवर स्टॉक्स ऑफ मिल्स होती हैं। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ओवर थिकनेसेस होती हैं। अच्छा, ये रिजेक्टेड माल हम खरीदते हैं? रिजेक्टेड भी नहीं होती हैं, सरप्लसेस में कह सकते हैं, मिल सरप्लसेस होती हैं और सारी चीज़ें, तो उसको वो एक आपने ऑर्डर शिप किया, एक चार्टर आपने 35,000 टन्स का भेजा, 7,000 टन्स रह गए उसके। अच्छा, वो साइजिंग है, चीज़ें हैं, तो वो आप मंगा लेते हैं। तो हम अभी प्राइम के वो नहीं हुए हैं पाकिस्तान में। इंडिया में चूंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े 12,000 मिल हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दे हैव स्मॉल एंड बिग ऑल टुगेदर 12,000 स्टील। पाकिस्तान में कितने होंगे? आप पाकिस्तान में अंदाजा लगा ले हमारे पास एक तो स्टील मिल है जो कि सुना 15-20% कैपेसिटी पे चल रहा है। हाँ, उस कैपेसिटी के 12,000 मिल्स नहीं है, लेकिन जब आप स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, वैसे इंडिया में जो नेशनल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दूसरे हैं, फिर उसमें अलग हैं, हॉलो सेक्शन अलग हैं, फ्लैट स्टील अलग है, उनके बार्स और कंस्ट्रक्शन ग्रेड के स्टील्स अलग हैं, स्ट्रक्चरल स्टील अलग हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट डिविजन्स हैं। थोड़े से कंसर्न हमारे यहाँ हैं, लेकिन फिर ये है कि पाकिस्तान में आप ये भी तो देखें कि जो आज आप 70,000-72,000 रुपये स्टील पे चले जाते हैं, शायद पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो कम हो सकती है, आप उसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। 85 तक का सुना है हम, हाँ खैर गए हैं, लेकिन वो स्टील में तो खैर 85 चल रहा है। स्टील तो $330 से लेके $1,300 तक फ्लक्चुएट करता रहता है, इट ऑल डिपेंड्स के जी क्या है, वो दौर खैर नहीं आए, बट मैं इसको देखता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान आपसे ये नहीं चाहता, हिंदुस्तान और भी आगे डीप में जाना चाहता है। मेरे जो स्टील ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे लिए रास्ता खुलता है, तो हमें पता है, हम पाकिस्तान को हर्ट नहीं करना चाहते, हमें भी पता है, हम देखेंगे कि जी हम पाकिस्तानी मार्केट को फ्लडेड नहीं करना चाहते। अगर हमें ट्रांजिट ट्रेड मिल जाता है और हम CIS में इंटर हो जाते हैं, जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को, फिर आप अपनी, अगेन मैं कहूँगा कि हाउस इन ऑर्डर करें कि आप कितना छोड़ना चाहते हैं इंपोर्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए और कितने आप ट्रांजिट ट्रेड के लिए वो करना चाहते हैं। तो मुझे अगेन, अगर आपका सिस्टम ठीक होगा, पॉलिसीज ठीक होंगी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसीज़ में, ये ना हो कि ये गवर्नमेंट आई, उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए चीज़ों को चेंज ना करें। ये आपकी बात बड़ी कंसर्न है। जो ड्यूटी की बात की उसको मैं भी ऐड करना, ड्यूटी ऑलरेडी पाकिस्तान में है ही 5%। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात जो है ना, और इसके ऊपर या हर चीज के ऊपर? नहीं, स्टील की बात की, स्टील के बाद 5% है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने जो सेकेंडरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक 85,000 पर टन अभी स्टील मिल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हम, उसमें वो कहते हैं जो इम्पोर्टेड मटेरियल आ रहा है उसमें 30,000 जो है ना गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के। वो तो आपके फ्यूल उठा लेना, आपके टैक्सेस को जिस तरह फ्यूल पे लेते हैं ना, फ्यूल पे करते हैं, तो उसी तरह मैंने जो सुना कि अगर मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहे कि जी लोगों को स्टील बहुत महंगा पड़ रहा है, हम एक कंसेशन देते हैं, LME इंटरनेशनल जो है ना, उस प्राइस के मुताबिक इसकी एक इम्पोर्ट प्राइस लगाई जाती है, कहीं से भी इंपोर्ट होना एक प्राइस लगाई जाती है, उसका एक बुलेटिन आता है, उसके ऊपर टैक्सेस जान लिए जाते हैं, खा किसी से भी इंपोर्ट हो जी, ईरान से, उधर ईस्ट एशिया से, तो स्मगलिंग हो रही है, नहीं मतलब यूरोप से हो या और की रशिया से करना चाहूंगा, तो इसलिए ये है कि इसमें कोई जो है फर्क नहीं आएगा कि हमारा ये तो हमें हमारी चीजें भी अभी जो हमारी चीजें 25-25% वहाँ है, हमारी ये है, हमारी दांत है, हमारा जो है मार्बल है, ये इंडिया में बहुत डिमांड है इसकी, और बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी डाइज वगैरह है, उसकी यहाँ डिमांड है, तो 5% तो पूरे 12 जो हमारे मुल्क हैं, 12 कंट्री हैं हमारे,
आपस में सबकी 5% हो जाएगी, ना कि सिर्फ इंडिया से, सबके लिए होगी। अफगानिस्तान का एग्रीमेंट, कॉमन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही तो है कि 5% ज्यादा ड्यूटी आप लगा ही नहीं सकते, व्हिच इज आल्सो WTO रिक्वायर्ड है ना। अच्छा, ये ऐड ये करना चाह रहा था, देखिए अमेरिका में पूरी दुनिया से वो माल मंगाते हैं, कोटा भी देते हैं, चाइना मेजर प्लेयर है सारी चीज़ों के, उन्होंने अपना एक सिस्टम किस तरह से ठीक किया है, उन्होंने कहा हमने सबको कोटा देना है, चाइना इज़ द चीपेस्ट, चाइना जहाँ ज़्यादा देता है उनके ऊपर, इंग्लैंड में हो, यूरोप के हो, अमेरिका के अंदर हो, चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ उन्होंने कोटा से ओवर किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है जी, तो ये सिस्टम दुनिया भर ने आपको, हम भी कर सकते हैं, आप नहीं, यहाँ है ऑलरेडी है, आप कर दें एंटी डंपिंग, ये जो है हम लोग प्रैक्टिकल हैं शायद, ये भाई बाहर ज़्यादा काम करते हैं, डंपिंग ड्यूटी का यहाँ कंसेप्ट है, अगर है पाकिस्तान में बहुत से चीजों पे एंटी ड्यूटी है, चाइना ने डंप कर करके हमें तबाह कर दिया, नहीं ना, तो कहां डंपिंग कर सके, आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया चाइना की कुछ सिरेमिक इंडस्ट्री, ये वो सबको तबाह कर दिया, सिरेमिक तो आपने एक स्पेशल एसआरओ के तहत तो सिरेमिक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है उसको, इसी तरह गारमेंट में। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड करना चाह रहा था, देखिए इंडिया से उस पर, मैं अभी बांग्लादेश में था पिछले दिनों कारोबार के हवाले से, और मैं बांग्लादेश के कुछ ऐसे एरियाज में गया जिनके बॉर्डरिंग लिंक है इंडिया के साथ। अच्छा, मैं वेस्ट ऑफ बांग्लादेश चला, ईस्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्ट ऑफ इंडिया चला गया, सैदपुर और नीलफामारी के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चूंकि इंडिया के जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, एक तो लैंग्वेज की सहूलत है, वहाँ जाके उन्होंने उस मार्केट को एज ए लोकल मार्केट ट्रीट करना शुरू कर दिया है। आज उस मार्केट में मोटरसाइकिल से लेकर खाने की चीज़ें से लेकर पहनने की चीज़ों से लेकर तमाम चीज़ें, यहाँ तक के घर बनाने की तमाम चीज़ें हिंदुस्तान से जा रही हैं, ऐसा है जैसे उन्होंने अपने लिए वो लोकल मार्केट बना लिया है। पाकिस्तान चाहे तो आज उनके जो अमृतसर और ये हमारे सारे वेस्टर्न पंजाब का एरिया है, हम उसको कर सकते हैं, और वो चूंकि उनकी एक वो ट्रेडिशनली सारी चीज़ें मिलती हैं, हमारी कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ये ऑलरेडी भाईजान हो रहा है, और पहले 100 ट्रक हमारे जो आते जाते थे, अब आपको लेटेस्ट बात बताऊं, तकरीबन 1000 ट्रक इंडिया से अमृतसर में भाग जा रहे हैं रोज डेली। ये जो है, ये जो है, इनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पैदा होता है कि नहीं, अभी वागा तो ठीक ठाक हो रहा है काम, अभी सेकंड पोर्ट भी शायद उसमें बनाया जा रहा है वागा पे, तो काम सही हो रहा है, आपने बताया इतनी इंक्रीज भी है दोनों तरफ। व्हाट अबाउट मोनाबो एंड नगर पार्कर वगैरह जो दूसरे बॉर्डर्स हुआ करते थे, उसके लिए भी हमने कहा है, हमने ये कहा है कि ये सिंध का बॉर्डर खोले, वो भी खोलें, वो सारे बॉर्डर खोलें, लेकिन अभी जो है, अभी इनिशिएटिव एक ही जो है ना, काम लोग जो है दिल से पूरी तरह अमल कर पाए, अभी वाकई पे ज़्यादा उस तरफ, अगर उसमें भी अभी पूरी तरह सड़क वहाँ से बन के आ रही है, उनके वेयर हाउसेज वगैरह वहाँ बन रहे हैं, क्रॉस द बोर्ड हमारे यहाँ हैं, तो इस तरह बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी इस तरह से नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए। अब जो आए हैं उनके, पहली दफा मेरे ख्याल है कॉमर्स मिनिस्टर आए हैं, दी हिस्ट्री ऑफ जो है इंडो पाक के बारे में, ये सुना था जब हमारे अमीम साहब फहीम गए, 35 साल बाद दो मुल्क के मिनिस्टर्स, ट्रेड मिनिस्टर मिले थे, व्हाट अ शेम। और अब शर्मा साहब का यहाँ आना तो बिग बिग इवेंट, तो इसलिए बड़े उनके साथ बड़े जो शर्मा साहब स्ट्रॉन्ग टाटा और ऐसे बिजनेसमैन आए जो इंडिया के टॉप के 100 बिजनेसमैन आए, जो उनके शर्मा साहब की एक बड़ी स्टैंडिंग है उसको, तो उसमें शर्मा साहब बड़े पॉजिटिव आदमी हैं और उन्होंने अच्छे काम किए। इंडिया पे काफी बात हो गई, अब एक जो बहुत ज्यादा लूमिंग क्राइसिस हमारे सामने है वो ईरान है जी। ईरान के बारे में आज जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, कि वो ऐसा लग रहा है कि नथिनयाहू साहब ने जो कल तकरीरें की हैं और पिछले हफ्ते से जो बातें हो रही हैं, वो ये है कि अब ईरान पे हमें अटैक करना है, एंड अमेरिका इज़ बैकिंग इट। ऑन द अदर हैंड, ईरान इज़ अवर नेबर, हमारा भाई है, बिल्कुल हमारे नेचुरल ट्रेड्स हैं, ऑफिशियली हम ना करें तो अनऑफिशियल है, आप ऑफिशियली कहते कि जी नो ट्रेड विद ईरान, स्टिल ट्रेड विल गो ऑन, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो अब हम क्या करें, अमेरिका बहादुर की सुने या अपने भाई की सुने? बात यह है कि अभी भी पहले ईरान के सदर आए थे, जिसके बाद हमारे सदर, उन्होंने कहा हम एक दूसरे का साथ देंगे, कुछ भी एट एनी केस अमेरिका से हम लड़ लेंगे। नहीं, लड़ेंगे नहीं, अमेरिका से भी लड़ेंगे नहीं, अमेरिका ने भी कहा था कि आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन दबे लफ्जों में उन्हें मना किया। क्लिंटन ने तो बाद में उन्होंने, इट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स बिकॉज़ इसको तो हम तबाह करने वाले हैं, बाद में उन्होंने दोबारा कहा, पहली दफा उन्होंने कहा जब सदर आए हुए थे, सदर जरदारी और उनके सदर ने जब साइन भी किया आपस में,
तो उन्होंने कहा बिजनेस कर लें, बिजनेस करने में कोई हैरानी नहीं, लेकिन हमारी रिजर्वेशन है। उसके बाद क्लिंटन गैस पाइपलाइन पे, हाँ, क्लिंटन ने फिर बाद में कहा जी अगर आप करेंगे तो बेहतर नहीं होगा, फिर आपके हमारे तल्लुकात मुतासर होंगे। तो अभी उनके नायब सदर आए थे, उनसे भी बात हुई और उन्होंने अपना जो है काम अपने बॉर्डर तक ऑलरेडी पहुँचाया हुआ है जी। अब हमारा काम, हमने अपना आगे हमने अभी कंस्ट्रक्शन हमने ठेका दे दिया है जर्मन कंपनी को कि बॉर्डर तक ले जाएं। हमारी बेसिक ज़रूरियात में है कि हमें गैस की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमारे पूरे पंजाब में जो है 25-30% जो है प्रोडक्शन बहुत कम है। तो और हमारा बलूचिस्तान जहाँ है उसको भी ये उस वहाँ से आएगी, शुरू में तो इंडिया भी हमारे साथ शामिल था। तो इसको दिया जा, आज एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ईरान ने अलाउ कर दिया है कि उनको जो है वो उनके जो है मुआयना कर सकते हैं जो है ये चीज़ें। अच्छा अच्छा, चलिए उससे शायद टेंशन कम हो जाए। हाँ उससे ये अभी लेटेस्ट। आप कैसा देखते हैं ईरान से ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट है, एंड क्या हमें इस तरह की डिक्टेशन अमेरिका से लेनी चाहिए? देखिए सैंक्शन के बावजूद चाइना और इंडिया तो ट्रेड कर रहा है, व्हाट यू थिंक हमारी क्या पोजीशन है? इंडिया और ईरान भी ट्रेड कर रहा है, ईरान से तेल ले रहा है। वही तो कह रहा हूँ कि इंडिया परवाह नहीं कर रहा है सैंक्शन वगैरह की, ना चाइना कर रहा है। हम एक दबे हुए मुल्क हैं, खासतौर से अमरीका के ज़्यादा ही वो है, प्रेशर में रहते हैं। हाउ फार वी कैन गो एट ऑन दिस? हमें पहले चले जाना चाहिए था। अगर हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप इस तरह की रखी होती और हमारे ट्रेड इतने डीप एक दूसरे के डीपली रूटेड होते तो हमें आज कोई डिक्टेशन नहीं दे रहा होता, क्योंकि दुनिया को वो मैसेज जा रहा होता कि ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ये इनका साथ है चुली दामन का। हमने क्या किया है, जब जब हमारे मफाद में कोई भी मफाद परस्त आया है या किसी और की बात सुन के हमने वहाँ पर अपने ताल्लुकात अपने नेबरों से ख़राब रखे या बहुत हेजिटेंट रखे। बात आपने कही है, अगर हम, इट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू हैव बैड रिलेशंस विद इंडिया और अफगानिस्तान, कोई भी नेबर से क्यों लड़ाई करें भाई? नेवर, किसी के कहने बिल्कुल भी नहीं होनी। मैं एक बात कहता हूँ बार बार कि जब हम अमेरिकन ब्लॉक में आ गए थे, इंडिया शुरू से कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक में रहा, तो हमें एक दूसरे से लड़ाया गया इंडिया को पनिश करने के लिए। लोग कहते हैं कि जी हमने कश्मीर पर लड़ा, कश्मीर तो एक बहाना था, असल तो ऊपर से प्रेशर था कि लड़ो। आज भी रशियंस आज हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान से, ये अब कह रहे हैं ईरान से भी लड़ लो। भाई क्यों लड़ रहे हैं हम ईरान से? भाई ईरान हमारा भाई है, हमारे पड़ोसी है, हमारा जो है ना पड़ोसी अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते दुनिया में। अमेरिका से आज दोस्ती है, अमेरिका सुपर पावर कल नहीं रहेगा, पहले इंग्लैंड था सुपर पावर, नहीं है। अभी हमें अभी भी तिजारत हो रही है और तिजारत होती रहेगी, और ये जो है ना ये काम जो है हमें जारी रखना चाहिए, और अमेरिका को भी समझना चाहिए। अमेरिका से भी हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम ईरान से ट्रेड करना हमारे लिए बहुत अहम है, उसको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मज़ीद बात करता मैं तो नाज़रीन। ईरान और इंडिया से जो तजारती रिलेशनशिप है उस पर हमारी डिस्कशन आपने सुनी। ये दोनों डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट ये कहा कि इंडिया से भी दोस्ती करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में, साथ साथ ईरान से भी हमारी बहुत ज़रूरत है। ईरान को हम छोड़ नहीं सकते चाहे कोई कुछ भी कहे, इट इज़ ए वाइटल थिंग फॉर अस, इंडिया इज़ आवर नेबर, नेबर को आप बदल नहीं सकते, सुपर पावर्स बदलते रहते हैं, नेबर्स नहीं बदल सकते। इसलिए हमें दोनों मुल्कों से तजारत को बढ़ाना है, अमेरिका से भी हम बिगाड़ नहीं चाहते, उसे उनको हम समझाएँगे और इस तरह से हम तजारत करेंगे, यही इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान में जब टेंशन कम होगा, दोनों के एक्सपेंडिचर कम होंगे डिफेंस पे, जैसा कि मुंशा साहब ने कहा दोनों इलाकों में बहुत गुर्बत है, गुर्बत कम होगी, और इस तरह से जो है ना हम गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।